कैटरीना कैफ की हॉरर कॉमेडी फिल्म फोन बूथ की खास बातें क्या हैं। जी हाँ दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल बॉलीग्राफ स्टूडियोज की इस नई पेशकश में। तो दोस्तों, कोरोना वायरस की वजह से सिनेमा घर भले ही बंद हों, लेकिन फिल्मों की रिलीज नहीं रुक रही है, ना रिलीज रुक रही है और ना ही फिल्मों की घोषणा। ऐसी ही एक नई फिल्म की घोषणा हुई है और फिल्म का नाम है फोन बूथ। इस फिल्म में कैटरीना कैफ और ईशान खट्टर की जोड़ी नजर आएगी, वहीं दोनों के साथ गली बॉय फेम सिद्धांत चतुर्वेदी भी नजर आएंगे। इस फिल्म की घोषणा एक्शन मूवीज ने अपने ऑफिशियल अकाउंट से की है। उन्होंने पोस्टर शेयर करते हुए लिखा, जब तक आप हंसते रहेंगे तब तक डरने की अनुमति है। फोन बूथ आ रही है आप सभी के लिए। पोस्टर में ईशान खट्टर, कैटरीना कैफ और सिद्धांत तीनों नजर आ रहे हैं। तीनों ने ब्लैक कोट पैंट पहन रखा है। खास बात है कि तीनों ही कलाकार भागने की पोजीशन में हैं। एक्सल के अलावा कैटरीना कैफ, सिद्धांत और ईशान ने भी इस पोस्टर को खूब शेयर किया है। सिद्धांत ने इसे शेयर करते हुए लिखा है कि भूत की दुनिया में तीन गुनी मुश्किलें हैं। वहीं ईशान खट्टर ने लिखा, वैसे भूतों पर लॉकडाउन लागू नहीं होता, लेकिन ये तस्वीर मार्च से लॉक्ड है। आखिर आ ही गई भूतनी के। फिल्म को गुरमीत सिंह निर्देशित कर रहे हैं। आपको बता दें कि कैटरीना कैफ के फैंस को इस वक्त उनकी अपकमिंग फिल्म सूर्यवंशी का इंतजार है। इसमें अक्षय कुमार के अलावा रणवीर सिंह और अजय देवगन भी नजर आएंगे। इस फिल्म को नेटफ्लिक्स पर रिलीज किया जाएगा, यानी कि फोन बूथ को। वहीं अगर सिद्धांत की बात करें तो वो गली बॉय के एमसी शेर के किरदार से लोगों के दिल में बस चुके हैं। अब देखते हैं कि इन तीनों की तिकड़ी क्या कमाल करती है। तो दोस्तों, हाल ही में इस फिल्म का पोस्टर रिलीज किया गया है, तो आपको ये पोस्टर कैसा लगा? क्या ये तीनों मिलकर हॉरर कॉमेडी फिल्म चला पाएंगे? आपको क्या लगता है, आपकी क्या राय है, आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें और देखते रहिए हमारा चैनल बॉलीग्राफ स्टूडियोज।